खलखला कर मन यूट्यूबर से कहे के मन नाम जानी ला मन कर मिस्टर एंड मिसेस दीपिका एंड रोशन प्लीज कम टू स्टेज. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो. एंड आज आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितना खुश दिख रहे हैं और अलग दिख रहे हैं. और मुझे तो आप लोग पहचान रहे होंगे, लेकिन ये कौन लड़की है बोल रहे हैं. आज मैं साड़ी पहनी हूँ, देख सकते हो. तो देख सकते हो गमछा पहन के, ये साड़ी नहीं है. अरे मेरा क्या गए हैं कुछ भी. हाँ, तो पहली बार आज दीपिका साड़ी पहन के कैसे लग रही है, कैसे लग रही है बताना. कोई मत बोलना, अच्छी लग रही है सब. ऐसे बोलोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा. वाह, कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है. सिर्फ ये मैं तारीफ कर रहा हूँ, आप लोग का नहीं है. She is my wife. तो गैस बकवास ना करते हुए आज बताते हैं हम लोग कहाँ हैं. तो आप लोग टाइटल थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कहाँ आए हैं. तो हम लोग आज आए हैं कलकला डिनरी यूथ कन्वेंशन के लिए, और ये हो रहा है हमीरपुर में. तो बहुत खुशी लग रहा है. वैसे तो हम लोग यूथ नहीं है, फिर भी आ जाते हैं. एंड जितना भी राउरकेला डिनरी में पारिशिश आता है, वहाँ के यूथ लोग आए हैं. दो दिन से हो रहा था, तो आज आखिरी दिन है, हम लोग आज आए हैं. क्योंकि आज हम लोग को बुला गया था. दो दिन क्या हुआ, लेकिन एक दिन खाली बुलाया गया. शायद हम लोग को ज्यादा दिखाना नहीं था यूथ प्रोग्राम. हाँ, फिर क्या. पर वो तो पर आज हम लोग उसको पूरा कर देंगे ना. तो थोड़ा समय के लिए आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगने वाला है. तो ठीक है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं हमारे राउरकेला डिनर में यूथ डे कैसे, यूथ कन्वेंशन कैसे मनाया जा रहा है. तो बने रहे आप लोग में, और हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. तो ठीक है, चलिए चलते हैं. देख सकते हो आज पहली बार दीपिका साड़ी पहनी है, तो उसका साड़ी संभाला नहीं जा रहा है. तो ये चिंता में कहीं वहाँ जाके साड़ी ना खुल जाए. हाँ, ये बहुत सारा पिन मारी है, तो ऐसे नहीं होगा. तो ठीक है, चलते हैं. एंड प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे. हाँ, लेकिन एक दो टू डांस देख लिए. और अभी हो रहा है, हम लोग चुपचाप बता रहे हैं क्योंकि उधर प्रोग्राम चल रहा है स्टेज में. तो वहाँ पे अभी हो रहा है, मतलब जो पहले के यूथ कमिटी थे राउरकेला डिनरी वाला, उनको वेलकम फेयरवेल दिया जा रहा है. लेकिन पहली बार इतना आदमी देख के मुझे डर लग रहा है गाइस.
ताली मारी मेरे लिए। तो ठीक है, लेकिन बहुत खुशी भी लग रहा है, नर्वस मतलब मिक्सिंग फील, मजा आता है, होता है। तो ठीक है, थैंक यू एंड चलिए आज एंजॉय करवाते हैं आप लोग को यहाँ का हमारे रॉयल कलर डिनर का यूथ कन्वेंशन। यूथ कन्वेंशन ओके। बहुत नाम है के अमूल्य वाला कालुगा पारिस के यूथ प्रेसिडेंट भी है को, तो मैं तो आते जाते था बने, तो मैं जॉइंट ट्रेजरर के रूप में काम कर रही हूँ। मोर नाम है के रेशमा क्रिकेटा जी पानी पारिस से, मैं राहुल केला डी ने वाइस प्रेसिडेंट रूप में काम कर रहा हूँ। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके बारे में कुछ खुद ही बोले हमारे बीच में, तो मैं उनको माइक देता हूँ। सब मन के जय जीशु। शुरू मेरा पूछल गया कि मन जाना रोशन और दीपिका के साथ बहुत कमती कहना है हमारे जाने के साथ नहीं जाना रहा हमें जानल कि नहीं जानल हमारे के ठीक है जे मन नहीं जाने मन के बता देता हूँ। मोर नाम है के रोशन तिर्की और मोर गाँव का नाम झोरा फिर आगे क्या सब मान के जय जीशु। कहाँ आवाज में निकला थे ले यहाँ उपस्थित सब फादर सिस्टर मोर आयो अबा मान और मोर छोट बाण सब भाई और बहन मान सबके और एक बार जय जीशु। भले हमके चिन्हल कि नहीं शायद चिन्हत रहा क्योंकि मैं नहीं चिन्हत रहा ने भले मैं बताई दे मैं बता नहीं हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं मैं हिंदी में बोलती हूँ ना तो हम लोग एक यूट्यूबर है और आज हम लोग को इसलिए इनवाइट किए हैं एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर। तो मैं थोड़ा सा कुछ यूट्यूब के बारे में बोलना चाहूँगी आप लोग को। तो जैसे कि आप लोग बोले कि हम लोग को जानते हो एज ए यूट्यूबर ना, तो हम लोग को इनवाइट किए अविनाश भैया, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके आप लोग के सामने कुछ दो शब्द बोलने के लिए।
तो YouTube के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोग पैसा कमा सकते हो, है ना? पता है कि नहीं? किसी किसी को नहीं पता होगा, स्पेशली मम्मी पापा लोग को तो नहीं ही पता रहता है, मतलब इनफैक्ट अभी तक किसी किसी को लगता है कि पैसा नहीं कमाते हैं बोल के, मतलब ऐसे ही कैमरा उठाओ और ये क्या बोल रहे हैं बोल के बोलते हैं मम्मी पापा लोग ना। तो मैं बताना चाहूँगी कि यूट्यूब से भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि हम लोग का अभी यूट्यूब में आए हुए 2 साल हो गया, लगभग 2 साल हो गया। तो इन 2 सालों में हम लोग को स्टार्टिंग में तो हम लोग को बोलना भी नहीं आता था। हम लोग का स्टार्टिंग का वीडियो स्क्रॉल करके देखोगे ना नीचे में, 2 साल पहले का वीडियो देखोगे तो ऐसा लगेगा ये लोग क्या बोल रहे हैं। हम लोग खुद देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग क्या बोल रहे थे बोल के, पर फिर भी धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव किए। और जैसे कि बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना, तो वही प्रैक्टिस करते करते आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और स्पेशली आप लोग का प्यार की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आप लोग अगर प्यार नहीं देते हम लोग इतना दूर तक नहीं पहुँच पाते। तो उसके लिए फिर से और एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सब लोग को ही। उधर से कोई बोल रहा पैसा देवा बोल। तोहर में कुछ टैलेंट है जैसे नहीं नाचला है गाला है सो बहनी जेकर में जे टैलेंट है उके करके तोहरे यूट्यूब में वीडियो बना के डाले पड़ा। तो जैसे कि यूट्यूब में हम लोग का कुछ क्राइटेरिया रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना रहता है और 4000 आवर वॉच टाइम, तो वो तो हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पर कितने होंगे टोटल, कितने होंगे लगभग 1300-1200 बोल रहे हैं ना, हाँ उतने तो होंगे। तो अगर हम लोग एक जन को यूट्यूब चैनल खोलता है कि आप लोग कोई, तो हम लोग अगर यहाँ पे 1300 या 1200 है हम लोग एक दिन में उसका सब्सक्राइब करेंगे तो 1000 कंप्लीट होगा कि नहीं होगा ना? तो एक ही दिन में वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग अपना नीश में फोकस कर सकते हो और वीडियो बनाते जाओ तो ही होता है, वही मैं बोल रही हूँ ना, प्रैक्टिस करने से ही होता है। आज तक हम लोग किसी और का वीडियो देख के नहीं सीखते हैं क्योंकि हर चीज़ हम लोग को पता नहीं रहता है। और लोग का वीडियो देखते हैं, वो लोग से भी कंटेंट देखते हैं, वो लोग का कंटेंट देखते हैं तो हम लोग को आइडियाज आता है कि कैसे क्या करना चाहिए बोल के। तो और हाँ, हम लोग एक चीज़ सोच रहे हैं, हम लोग जैसे कि अभी राउरकेला में क्या बोलेंगे थोड़ा सा मतलब बढ़ गए हैं यूट्यूबर हिसाब से, तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक कम्युनिटी बनाए हमारे नागपुरी में जितने भी है, मतलब हमारे कम्युनिटी में आदिवासी कम्युनिटी में जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या तो म्यूज़िक चैनल से जिनका, वो लोग से मिल के हम लोग एक टीम बनाएंगे ताकि जैसे कि मैं बोली अगर कोई शुरू करना चाहते हैं तो वो लोग हम लोग उन लोगों को हेल्प करेंगे ताकि वो लोग भी अच्छे से कर सके। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग अकेले बढ़े, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग के साथ लेके बढ़, मतलब आप लोग को साथ लेके बढ़े। और आज का जैसे कि थीम है चिल्ड्रेन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड फॉर दिस इज राइट, है ना? तो आप लोग अपने माँ बाप का आदर करते हैं कि नहीं करते हैं ना? कहाँ कोई तो बोल ही नहीं रहे आदर करते हैं बोल के, करना चाहिए। मैं तो जब क्या बोलूँगी, मैं नहीं करती थी बोलूँगी तो, मतलब ऐसे नहीं है कि एक एज रहता है ना, एक एज रहता है टीनेज, उस समय माइंड इधर उधर डाइवर्ट होते रहता है। तो वही है, मैं अपनी मम्मी का बात नहीं सुनती थी और अभी मैं रिग्रेट फील करती हूँ क्योंकि पता चलता है कि मम्मी पापा का बात नहीं सुनने से क्या होता है। पर फिर भी मैं वो सब चीज़ और नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ बैठी है, फिर घर जाके बोलेगी तू बुराई कर रही थी बोल के। पर और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे कि रोशन इतना बड़ा हो गया है लेकिन मैं देखी हूँ जब से हम लोग का शादी हुआ है कुछ भी काम करना रहता है ना, मेरे को तो बोलेंगे मेरे को बोल के सब कुछ खत्म कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर लास्ट में उनका मम्मी के पास जाते हैं, आइयो वही इके करा था उनके करा था, वो चीज़ सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतने बड़े हो गए लेकिन भी वो अपनी मम्मी का परमिशन लेते हैं। बोलना चाहूँगी और ठीक है ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी, और आप लोग इंजॉय कीजिए और हम लोग भी इंजॉय करेंगे आप लोग के साथ। सो थैंक यू हम लोग को यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए, इतना रेस्पेक्ट देने के लिए। सो थैंक यू सो मच।
गाइस पूरा माहौल पूरा गरम है, जोरदार, जैसे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का शक्ल से पता चल रहा होगा कि माहौल कितना गरम है, पूरा पसीना पसीना हो गया। तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम लोग साइड आ गए हैं, आप लोग से बात करने के लिए आ गए हैं। तो जैसे कि दीपिका बोली थी स्टेज में मुझे तो भगा दिए, ये भगाई मुझे मुझे और थोड़ा रुकना था, मतलब पहली बार मैं कोई एक स्टेज में चढ़ा था और ये मुझे भगा दे, क्या करूं, भागाना था ना मुझे। मुझे तो मन कर रहा था वहीं से इसको गाली देते देते ले जाऊं, लेकिन क्या करें, इतने लोगों के सामने तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी गाली दे सकता तो ठीक है गाइस। अगर जैसे कि दीपिका बोली कि हाँ कोई भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, खास करके ब्लॉगर, जैसे हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो जो जुड़ना चाहते हैं ब्लॉग के साथ, यूट्यूब के साथ, और कुछ करना चाहते हैं आगे, तो हाँ यूट्यूब को हम लोग ऐसे तो फुल टाइम नहीं ले सकते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पज से हम लोग स्टार्ट करके, क्योंकि ये कुछ नहीं है, जस्ट हम लोग तो ये मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वहीं से थोड़ा बहुत अपना जो हॉबी है वो हिसाब से आप लोग अगर कुछ कंटेंट चूज करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो फ्यूचर में कुछ हो सकता है गाइस। लेकिन हाँ वही बात ये है कि हम लोग उसको फुल टाइम नहीं दे सकते हैं। हाँ ग्रो कर जाने के बाद अगर वो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन अभी क्या, जो जैसे हम लोग आए थे यहाँ पे यूथ कन्वेंशन चल रहा था, अभी जो अभी सबके यूथ हैं, तो अपना करियर के साथ साथ, अपना पढ़ाई के साथ साथ ये चीज करने से अच्छा हो सकता है। और हमें और एक बात बोलना भूल गई थी कि जैसे कि अभी यूथ जैसे ये बोले कि अभी पढ़ाई में ज्यादा फोकस करना चाहिए, वहाँ हड़बड़ी में आधा बात बोल नहीं पाई जैसे लगा, तो पढ़ाई में ज्यादा फोकस करना चाहिए और सेकेंडरी में ये सब को रखना चाहिए, और ये सबसे आप कुछ पैसा कमा लोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। वही और हाँ कोई अगर ये सब करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या फिर हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, हमें से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे क्या करना है, हम लोग सोच रहे हैं एक ग्रुप बनाएंगे, तो अगर वैसे हो सकते हैं तो अगर हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो एक बड़ा कम्युनिटी भी बन सकते हैं, तो वैसे में एक दूसरे का हम लोग हेल्प कर सकते हैं, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं जो जो ब्लॉगर बनना चाहते हैं खास करके। तो ठीक है, ज्यादा हम लोग बकवास न करते हुए अभी चलते हैं और प्रोग्राम करते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। ओके चलिए गाइस, डिसाइड हो रहा है कौन चैंपियनशिप जीतेगा, तो अभी थोड़ी देर में होगा रिवील, तो आप दौड़ दौड़ के जाना होगा वो लोग के साथ साथ, मुझे थोड़ी ना प्राइज मिलने वाला है, वीडियो करने के लिए आप दौड़ दौड़ के जाना। डिसीजन टाइम गाइस, डिसीजन टाइम, टिक जो बॉल थी खंडार हुई कर रहे ना, ओके डिसीजन ले लेवल चाहे कमिटी के रोर से तो चलिए हमें भी बेसब्री से इंतजार है कि कौन होता है आज इस बार का रॉयल किला डाइसिस डिनर। ये बहुत ज्यादा, क्या तुम जीतोगे? हमीरपुर जीतेगा तो हम लोग जीतेंगे। तुम कौन सा पारिस है? गैस देख सकते हैं, जीतने के लिए दो दो पारिस रखे, जैसे लोग लॉटरी खरीदते हैं, लॉटरी जीतने के लिए आदमी दो दो तीन तीन खरीदते हैं, ऐसे दो पारिस रखे हैं। ओके ठीक है, इंतजार करते हैं कौन जीतता है आज। चैंपियनशिप ट्रॉफी गोज टू, धक धक कर रहे तो तुम्हारे पारिस वाले स्टेज तोड़ दिए। नहीं नहीं स्टेज तोड़ दिए, उसके बारे क्या बोलोगे?
के दरवाजे पर आओ और अपने पास से ले जाओ। याद करो देखते जय धर्म फटा प्लीज परमेश्वर इसके सुंदर समय लगे देवीला और प्रार्थना करें प्रभु हमने रवरे के रविश्वर पर हमारे साथ में रही एखन हमारे अपन घर जब रास्ता में सुबेरा हमारे की सुरक्षा प्रदान करो जिससे हमारे मन अपन गंतव्य स्थान पहुंचे परम हमारे जीवन में रवर के महिमा होते रहो हे पिता हमारे। सो गाइस हम लोग का प्रोग्राम फाइनली खत्म हो ही रहा है, हुआ नहीं है, हो ही रहा है ना, तो हम लोग इनसे मिलते हैं। यह है अविनाश और यही हम लोग को प्यारा सा इनविटेशन दिए थे बहुत दिन पहले। थैंक यू सो मच इनविटेशन के लिए और आपका कुछ प्यारा सा शब्द बोलना चाहेंगे जी। तो मैं हूँ अविनाश और राहुल कटिनेरी का यूथ प्रेसिडेंट। तो मैं सोचा कि हम लोग का जो ये 14th हम लोग का जो ये प्रोग्राम है वो 14th यूथ डिनेरी कन्वेंशन हुआ, तो इसमें हम लोग सोचे कि हम लोग का कमेटी से बात किए कि हम लोग के राहुल क्लब के ही यूट्यूबर दीपिका रोशन हम लोग का राहुल क्लब के सारे यूथ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम लोग के लिए बहुत अच्छा मौका होगा कि हम लोग के जो यूथ लोग यहाँ पे डेलीगेट्स लोग जितना भी आते हैं उनको आप जो काम करते हैं उसके बारे आप थोड़ा सा बताएं, इन्फ्लुएंस करें ताकि आप जो काम करें जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हर काम में मेहनत लगता ही है ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी अगर कोई काम को अगर पकड़ लिया जाए या फिर कुछ भी अगर आदमी अगर अपना गोल बना लिया जाए तो उसको कर सकता है, तो ये हम लोग सोचे और आप लोगों का अप्रोच ये, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोग का इन्विटेशन को एक्सेप्ट किए और यहाँ पे उपस्थित हुए और समय दिए हम लोग को, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों का। और हम लोग का राहुल डिनरी यूथ एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों को ढेर सारे धन्यवाद और जय यीशु बोलते हैं। जय यीशु। और मेरे से जैसे कि स्टेज में हम लोग को बुलाया गया था तो कम समय होने के कारण अच्छे से तो बता नहीं पाए थे, पर जितना भी बोले होप करते हैं कि यूथ लोग के मंदिर तक पहुंचा रहेगा और उनसे कुछ सीखेंगे वो लोग। तो थैंक यू सो मच अविनाश। तो जितना भी हम लोग के राहुल डिनरी के भाई बहन है यूथ लोगों है उन लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ जरूर से ये वाला चैनल जो है दीपिका रोशन उसके लिए भी आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी बात है आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं क्या जरूरत है आपको, चैनल में क्या चाहिए होता है ये सारा चीज बोल सकते हैं। हम लोग अप्रोच किए हैं यूट्यूब चैनल में कि हम लोग ये सारे बातों को रखने के लिए, तो आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जो चीज देखते हैं आप उसमें से क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं और क्या होना चाहिए, क्या सजेशन आपका रहता है, वो सारा चीज आप बता सकते हैं, तो उसमें हम लोग फिर काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।